हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के सेशन में हम शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम केस स्टेटमेंट में यूज़र इनपुट के बेसिस पे आउटपुट डिसाइड कर सकते हैं। इससे पहले वाले सेशन में भी हमने केस स्टेटमेंट कवर किया था, बट वहाँ पे हमने जो वैल्यू रखी थी वो हार्ड कोडेड थी। तो उस एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, हमने एक डेट वेरिएबल लिया था, उसका करंट डे हम फेच कर रहे थे और उस करंट डे के बेसिस पे केस कंडीशन चल रहा था। ठीक है, तो उस केस में ऐसा भी पॉसिबल था कि अगर कोई और वैल्यू, मतलब डेट से अगर हम डे निकाल रहे हैं तो वहाँ पे एरर की कंडीशन बिल्कुल नहीं सेटिस्फाई हो रही थी, मतलब अदर वाला जो ब्लॉक था वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए आज हम केस का एक और सिनेरियो कवर करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, एक यूज़र से इनपुट लेंगे और उस इनपुट के बेसिस पे चेक करेंगे कि क्या वो वैल्यू सही है, क्या आउटपुट जो हमारे को चाहिए था वो हमें कोड से मिल रहा है या नहीं। और अदर वाली कंडीशन में भी वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि अगर यूज़र ने इनपुट जो भी दिया वो अगर वैलिड नहीं है और दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करता तो उस केस में अदर वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल को सिंपली समझने के लिए पहले रिक्वायरमेंट क्लियर करते हैं। रिक्वायरमेंट ऐसी है कि अपन शेल स्क्रिप्ट को जैसे ही रन करेंगे तो यूज़र से कोड मांगा जाएगा, प्रोडक्ट कोड। ठीक है, अब उस प्रोडक्ट कोड को स्क्रिप्ट एनालाइज करेगा, चेक करेगा स्क्रिप्ट कि उस प्रोडक्ट कोड के लिए कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने 10 प्रोवाइड किया स्क्रिप्ट को, तो 10 के अगेंस्ट में अगर लैपटॉप लिखा हुआ है तो वो वहाँ पे शो करेगा कि 10 प्रोडक्ट कोड 10 फॉर लैपटॉप। उसी तरह से 20 पास किया तो प्रोडक्ट कोड फॉर मोबाइल 20, और अगर इसके अलावा कुछ और कंडीशन होती है तो वो उस अकॉर्डिंग उसमें आउटपुट ला के देगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये सिनेरियो अपना चलने वाला है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वर्क एलएन के, और यहाँ पे हम आ गए वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन पे। अब इस स्क्रीन के ऊपर हमारे पास एक डायरेक्टरी है जो हम हमेशा यूज़ करते हैं अपने कोड को रन करने के लिए, स्क्रिप्ट को रन करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे टेक्सचर विद नेम्स एक डायरेक्टरी बनाया हुआ है, इसको अपन ऑप्शन 5 से ओपन करेंगे। और फिर यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है sharmit.sh नेम से, ये हमारी स्ट्रीम फाइल है जो शेल स्क्रिप्ट की है। ठीक है, और एक चीज़ आपको पता होगी कि ये जो स्क्रिप्ट फाइल है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो भी कोड आप इसमें लिखोगे वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप उस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी यही है कि जो हमारी शेल स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूटेबल होनी चाहिए, क्योंकि अगर एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो उस केस में हमारा जो आउटपुट है वो नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे तो फिर आउटपुट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला रिक्वायरमेंट। अब इस स्क्रिप्ट को देखते हैं एक बार ओपन करके। तो स्क्रिप्ट करेंगे ओपन, टू से ओपन किया, यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी लाइन कमेंट में प्रेजेंटेड बाय टेक्सचर मैथ सेशन केस इन शेल स्क्रिप्ट। ठीक है, यही टॉपिक हमने लास्ट टाइम भी कवर किया था, बट लास्ट टाइम में जो हमने किया था उसमें हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू थी। इस बार हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, इस बार हम यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो अब इस शेल स्क्रिप्ट में मल्टी लाइन कमेंट हमने डाल दिया एक्सप्लेनेशन के लिए। अब यहाँ से देखते हैं मेन स्क्रिप्ट में हो क्या रहा है। तो स्क्रिप्ट देखने के लिए यहाँ पे आप एक इंसर्ट करोगे, यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा प्लीज़ एंटर अ प्रोडक्ट कोड। ठीक है, प्लीज़ एंटर प्रोडक्ट कोड लिखने के बाद में आपने रीड किया। अब रीड किया तो रीड क्या करेगा, रीड आपको ला के देगा जो भी यूज़र इनपुट वैल्यू देगा उसको आपने रीड कर लिया यहाँ पे। अब हम उसको चेक कर रहे हैं, तो केस यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, पहले की तरह हार्ड कोडेड कुछ भी नहीं है। हमने यूज़र से इनपुट लिया, यूज़र का जो इनपुट आया उसको केस में एवेल्युएट करेंगे कि अगर कोड 10 है तो प्रोडक्ट कोड 10 आएगा लैपटॉप, अगर प्रोडक्ट कोड 20 है तो प्रोडक्ट कोड में आएगा प्रोडक्ट कोड 20 मोबाइल। ठीक है, उसी तरह से अगर प्रोडक्ट कोड में 30 आ रहा है तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे 30 है। ठीक है, प्रोडक्ट कोड में अगर 30 आ रहा है तो यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा प्रोडक्ट कोड 30 कैमरा। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ भी आता है तो यहाँ पे हम एक ऐसे लिखते हैं इनवैलिड कोड। ठीक है, क्योंकि अगर इसके अलावा कुछ भी आ रहा है मतलब वो इनवैलिड है। हमारे पास तीन ही हमने वैल्यूज स्पेसिफाई किए हैं तो वो तीन में से ही यूज़र को इनपुट करना चाहिए। तो अगर आप इस तरह के जब हम मेन्यूज़ बनाते हैं तो उसमें इस तरह से भी लिख देते हैं, जिससे यूज़र को एक आइडिया रहे कि कौन सी पॉसिबल वैल्यूज 10, 20 और 30। ठीक है,
तो यही पॉसिबल वैल्यूज है। तो यूजर को इन्हीं में से प्लीज़ या फिर इस तरह से लिख सकते हो, प्लीज़ सेलेक्ट प्रोडक्ट कोड, ठीक है। तो ये अपना मैसेज प्रिंट होने वाला है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये शेल स्क्रिप्ट रन करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और F3 से सेव करते हैं, F3 से एग्जिट करते हैं, सेशन बी पे चलते हैं। यहाँ पे कैसे स्क्रीन रन करनी होती है, देखो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा QSH। QSH क्या करेगा, क्यू शेल स्क्रीन को ओपन करेगा और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट को रन करेंगे /home/sharmit/texturemit/sharmit.sh और एंटर। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा प्लीज़ सेलेक्ट प्रोडक्ट कोड। तो इसमें हमारे को प्रोडक्ट कोड सेलेक्ट करना होता है, जो पॉसिबल वैल्यूज है हमारे पास 10, 20 और 30, इन तीनों में से कोई भी वैल्यू यूज़र सेलेक्ट कर सकता है। ये अभी हमने टेक्स्ट में लिखा, तो सपोज़ यूज़र ने सेलेक्ट किया अगर यहाँ पर 10 सेलेक्ट करने पर मैसेज आया प्रोडक्ट कोड 10 लैपटॉप। उसी तरह से फिर से अगर हम स्क्रिप्ट को रन करें और यहाँ लिख दे 20, तो देखो अभी प्रोडक्ट कोड क्या आया, 20 फॉर मोबाइल। फिर से एक बार रन करते हैं, इस केस में हम प्रोडक्ट कोड लिखेंगे 30। तो जैसे ही मैंने 30 पुट किया तो यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट कोड 30 कैमरा, ठीक है। उसी के बाद में ये तो हमने देख ली सारे फेवरेबल कंडीशन, मतलब पॉसिबल कंडीशन। अब इसकी जगह पे अगर यूज़र बाय मिस्टेकनली या बाय इंटेंशनली कुछ और वैल्यू यहाँ प्रोवाइड करता है, अब हम समझ रहे हैं अदर वाला केस, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैलिड कंडीशंस तो हमें समझ में आ गए कि अगर 10 हुआ तो प्रोडक्ट कोड 10 लैपटॉप प्रिंट हो गया, 20 हुआ तो प्रोडक्ट कोड 20 मोबाइल प्रिंट हो गया, 30 हुआ तो प्रोडक्ट कोड 30 कैमरा प्रिंट हो गया। बट अगर यूज़र ने पुट किया कोई ऐसी वैल्यू जो लिस्ट में है ही नहीं, इस लिस्ट में नहीं जो हमने वहाँ पे कंडीशन सेट की ना, क्योंकि यहाँ पे तो आप हो सकता है कुछ और भी लिख दो, ये तो बस हमने उसकी रेप्लिका रखी है यहाँ पे यूज़र को शो करने के लिए, है ना। हालांकि ये अपन ने मैच कराया 20, 10, 20, 30 से, बट हो सकता है यहाँ पे कुछ और भी हो। तो स्क्रिप्ट में वो जो वैलिडेशन हो रहा है वो चेक होगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने किया एंटर, 10, 20, 30, 40 की जगह मैंने 10, 20, 30 की जगह मैंने यहाँ लिख दिया 50 और एंटर कर दिया। तो 50 डालते ही मेरे पास मैसेज क्या आ गया, इनवैलिड कोड। ये क्यों आया, इनवैलिड कोड इसलिए आया क्योंकि अब की बार जो वैलिड कोड था वो सही, मतलब की बार जो यूज़र ने इनपुट प्रोवाइड किया था वो सही नहीं था, और इस वजह से हमारे पास आउटपुट क्या आया, इनवैलिड कोड, ठीक है। तो स्क्रिप्ट समझ में आ रही है आपको कि कैसे लिखी है यूज़र इनपुट के बेसिस पे। अब ये देखो यहाँ पे अपन ने पूरा ये सब कुछ सेट कर दिया, और यहाँ पे से हम सिंपल सा हमने पहले कोड को स्ट्रिंग प्रिंट करा के कोड एक्सेप्ट किया, प्रोडक्ट कोड उसको रीड किया, रीड क्या होता है, रीड से हम किसी भी कोड को रीड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमने केस में इवेल्युएट करके देखा, अब केस इवेल्युएट करता है और ट्रू होने पे वो फिल कर देगा। जैसे अगर केस कोड कोड जो है वो है 10, तो प्रिंट हो जाएगा प्रोडक्ट कोड 10, लैपटॉप 20 है तो 20, 30 है तो 30, और अदर केस में ये चला जाएगा इनवैलिड कोड पे, ठीक है। तो ये हो गया आपको पूरा क्लियर। लास्ट में ESAC, ये हम यूज़ करते हैं अपने केस स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए, और यहाँ पे एस्ट्रिक का मतलब है कि जेनरिक, अबव 3 कंडीशंस के अलावा अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो वो फॉल करेगी एस्ट्रिक वाले पार्ट में, और यहाँ पे एंड ESAC एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करते हैं F3 से सेव और एग्जिट। अब हम देख लेते हैं कि अगर इसको कभी CL से आपको रन करना है तो कैसे करोगे, या इसमें पॉसिबल है या कुछ इश्यूज होंगे, देखते हैं। तो उसके लिए रन QSH करके ओपन करेंगे एंटर, ठीक है। रनिंग शेल स्क्रिप्ट यूजिंग CL प्रोग्राम DCL, DCL के बाद में F4 लेना है आपको, वेरिएबल का नेम, टाइप, स्टोरेज लेंथ आ जाएगी, फिर आपको CSG वर्ड लिखना है, CSG वर्ड लिख के F4 करना है, वेरिएबल का नेम, और स्क्रिप्ट आ जाएगी फाइल के /home/sharmit/texturemit/sharmit.sh, और फिर लास्ट में STRQSH करके आपको वेरिएबल पास करना है जो भी वेरिएबल में आपने स्क्रिप्ट को स्टोर करा हुआ है, ठीक है। तो अभी इसको करते हैं कंपाइल और कॉल। कॉल करने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे मैसेज इनवैलिड कोड, ऐसा क्यों, क्योंकि हमने कोई इनपुट प्रोवाइड ही नहीं किया, है ना। CL प्रोग्राम जैसे एग्जीक्यूट, तो हमने कोई इनपुट तो दिया ही नहीं, इस वजह से वो ब्लैंक को कंसिडर कर रहा है इनवैलिड कोड, ठीक है। तो ये आपकी स्क्रिप्ट सही चल रही है, इसमें आपको ऐसा नहीं सोचना कि स्क्रिप्ट ख़राब है, स्क्रिप्ट परफेक्ट है। बस इशू ये है कि यहाँ पे हमने कोई वैल्यू, आपको आपने पहले भी देखा होगा कि CL के थ्रू हम कोई वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करते हैं शेल स्क्रिप्ट के टर्म्स में, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे वो मैं आपको इनकमिंग अपकमिंग सेशंस में बताऊंगा अभी कि कैसे वो सब चीज़ सेट कर सकते हैं, क्या चीज़ें होती है, बट अभी के लिए सिर्फ आपको इतना समझना है कि अगर शेल स्क्रिप्ट को हम CL से रन कर रहे हैं तो उस केस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक ये अब आपको क्लियर हो गया होगा।
और इस सेशन के लिए इतना ही था कि कैसे हम केस स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथड।